सिरसागंज में जिलाधिकारी व एसएसपी ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। फिरोजाबाद सिरसागंज। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची जिलाधिकारी नेहा शर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल का पालिकाध्यक्ष सोनी शिवहरे व पालिका सभासदों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा फूल मालाओं व प्रतीक चिन्ह भेंटकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में उप जिलाधिकारी सिरसागंज सुशीलाल श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी अजय कुमार चौहान, पूर्व मंत्री ठाशून्य जयवीर सिंह, राज्य महिला आयोग की सदस्य सुमन चतुर्वेदी, जसराना पालिका चेयरमैन अवनीश गुप्ता आदि शामिल हुए। अतिथियों के स्वागत के बाद मुख्य अतिथि जिलाधिकारी एवं एसएसपी और विशिष्ट अतिथियों द्वारा पालिका प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बारिश की बौद्धों के बीच पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुबह से हो रही बूंदाबांदी ने पौधारोपण के अनुकूल वातावरण बना दिया। पालिका द्वारा आयोजित किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ ही नगर में भूखी प्यासी भटकती गायों के लिए गौग्रास संग्रह वाहन रिक्शा चलाए जाने की व्यवस्था की गई, जिसका मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर एवं हरी झंडी दिखाकर गौग्रास संग्रह रिक्शाओं का रवाना किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सुमन चतुर्वेदी एवं पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश मणिकांचन ने किया। इंडिया टॉप न्यूज से संवाददाता आशीष उपाध्याय की खास रिपोर्ट। और ये सार्थक पहल निश्चित तौर पे ये पेड़ जो हम लोग रोपेंगे, जो लगाएंगे, आने वाली जनरेशन्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो हमसे इतनी उम्मीदें लगाए हुए हैं अपने उद्बोधन से, अपनी कविताओं के माध्यम से, उनके लिए हम एक ऐसी धरोहर का निर्माण करेंगे वृक्षों को सींचकर और उनको बड़ा करके। तो आज हम सब संकल्पित हो जाएं, इस पूरे इतने से पौधे रोपित कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठे लोग तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर संकल्पित हैं ही, लेकिन आप सब एक अच्छे और बड़े गहरे प्रभाव क्षेत्र के धनी हैं। आपका अपना व्यक्तित्व, आपका अपना सामाजिक प्रभाव क्षेत्र है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने उस प्रभाव क्षेत्र के दरमियान आने वाले जितने भी लोग हैं उनके बीच भी इस बात को उतनी सार्थकता से रखें, उतनी सुदृढ़ता से रखें कि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति संकल्पित होता जाए कि हमें अपने जनपद को, अपने सिरसागंज को हरा भरा और वृक्षों से पूरा युक्त ऐसा जनपद बनाना है, ऐसा तहसील, ऐसा नगर पालिका क्षेत्र बनाना है कि लोग उदाहरण दें, उदाहरण सरीखे की बात करें कि देखो वहाँ के लोगों ने कितनी अच्छी धरातल पे उतारा। इन्हीं शब्दों के साथ चलें, शब्दों को आज धरातल पे उतारने का कार्य करें और संकल्पित बहुत। प्रत्येक जो व्यक्ति हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आते हैं उनको रिटर्न के तौर पर एक पौधा भेंट किया करें। अगर हम लोग ये आदत डालेंगे, एक तो रिटर्न गिफ्ट हमेशा आदमी को याद रहता है कि चलो मैं उनके यहाँ गया तो उनके यहाँ से कुछ मुझे मिला। दूसरा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये वास्तव हमारे आचरण में आ जाएगा कि नहीं, हमें वृक्षों का ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए हमें गंभीर रहना चाहिए। तो मेरी यही सब आप लोगों से अपेक्षा है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम लोग इस एक नई चीज की शुरुआत करें। जो भी हमारे घर में गेस्ट आए उनको चाहे तुलसी का पौधा हो, चाहे आम का वृक्ष, चाहे नीम का पेड़ हो, कुछ भी गिफ्ट करें। मैटेरियल चीजों से अच्छा है कि आप वृक्षारोपण करें और उनको पर्यावरण को सुरक्षित करें। इसलिए सभी को शुभकामनाएं।